इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से निकलकर। यहाँ जिलों के गठन से जुड़ी यह खबर हम आपको बताएंगे, क्योंकि सीएम गहलोत ने जयपुर के जिले के जो विधायक हैं उन सभी को अपने आवास पर बुलाया है मीटिंग के लिए। मंत्री लालचंद कटारिया समेत अन्य विधायक भी पहुंचे हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम गहलोत ने जयपुर जिले के विधायकों को बुलाया है, सीएम आवास पर पहुंचे विधायक, जिसमें मंत्री लालचंद कटारिया भी शामिल हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अपडेट्स के साथ कनेक्ट हो गए। शशि, किस बाबत है ये बैठक? शशि मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभी फोन कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे शशि से, क्योंकि वही बेहतर तरीके से बताएंगे कि आखिर ये जो बैठक बुलाई गई अचानक से जिलों के गठन के मामले को लेकर वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों, और कौन कौन से विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम गहलोत ने दरअसल बुलाया है जयपुर जिले के सभी विधायकों को, क्योंकि देखिए शुरुआत से ये बातें चल रही थी कि जयपुर दो टुकड़ों में किया जाएगा और दो अलग अलग जिले बनाए जाएंगे। हालांकि इसको प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, और सारे विधायक सभी लोग साथ मिलकर आए थे कि जयपुर को एक ही रहने दिया जाए। शशि हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। शशि, किस बाबत है ये बैठक? आशीष, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं से शशि आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, आएगा नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि जयपुर जिले के विधायकों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है, सभी विधायक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के आवास पर, जहां पर ये बैठक होगी, ये मुलाकात होगी। शशि मैं चाहूँगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, अब आपकी आवाज़ स्पष्ट आएगी। आशीष जी, कल जो दूदू में हुआ, दूदू के मोखमपुरा में सांबर फुलेरा रहने वाले के जो लोग थे वो विरोध जताने आए थे। दरअसल वो दूदू जिले में नहीं मिलना चाहते हैं, इसको लेकर के उन लोगों का विरोध था। और उस दौरान जो हालात बने, जो उन लोगों को खदेड़ना पड़ा, आंसू गैस चली, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि जयपुर जिले से जुड़े विधायकों को बुलाया है इस बैठक में, और इस बैठक में बातचीत की जाएगी कि आखिर जिले के विधायक चाहते क्या हैं। आपको ध्यान होगा जयपुर उत्तर और दक्षिण, जयपुर जिले का जो इस तरीके से विभाजन किया जा रहा था प्रशासनिक विभाग, उसको लेकर के भी विरोध सामने आया। बीजेपी ने, जयपुर शहर के लोगों ने विरोध जताया, तो खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि जयपुर का उत्तर और दक्षिण में विभाजन नहीं होगा। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब सीएम ने जयपुर जिले के सभी विधायकों को बुलाया है, उनसे एक बार रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद में कोशिश की जाएगी कि जयपुर और दूसरे जो जिलों का गठन होगा उसमें विधायकों की राय को सम्मान दिया जाए। हालांकि यह काम जो रामलुवाय कमेटी बनी हुई है उसके पास है, कमेटी की सिफारिश स्तर पर आगे काम होना है कि किस तरह से तहसील स्तर पर जिलों में शामिल किया जाएगा, जगहों की अवार्ड स्तर पर किया जाएगा। तो इस सब को लेकर के कवायद ये है कि जो फायदा मिलना चाहिए था सरकार को या सत्ताधारी पार्टी को, वो फायदा लेने के ऊपर फोकस होगा कि किस तरीके से काम किया जाए, जनता में अच्छा मैसेज जाए, नए जिलों के गठन से गवर्नमेंट का अच्छा मैसेज जाए और सरकार को और पार्टी को भी फायदा हो सके। जी आशीष, ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने बुलाया है जयपुर जिले के तमाम विधायकों को, मंत्री को, सभी पहुंचे हुए हैं, रायशुमारी यहाँ पर की जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी शशि। जालौर से अगली